मुझे तो बहुत गुस्सा आता है इसे खेलते वक्त भाई, मुझे हमेशा से आता है। जिस वजह से ये जो पूरा हफ्ता गया हम सिर्फ वर्ल्ड ऑफ कैरम खेले। आई टू के 1 वीक ब्रेक फ्रॉम कैरम डिक स्कूल। और आप में से जो भाई लोग वर्ल्ड ऑफ कैरम पे गेम प्ले करते हैं कैरम पुट का साथ साथ, मुझे मालूम है कि आप लोगों का दिमाग में एक कंफ्यूजन आता होगा इस वर्ल्ड ऑफ कैरम का स्ट्राइकर्स को लेकर। और क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वर्ल्ड ऑफ कैरम का जो स्ट्राइकर्स है उसका जो कंफ्यूजन है हम लोगों का दिमाग पे, यही उस स्ट्राइकर्स का खास बात है। जो लोग वर्ल्ड ऑफ कैरम पे गेम प्ले नहीं करते उन लोगों को दिखा देते हैं वैसे कि यहाँ पे जितने भी स्ट्राइकर्स है उस पे एक तो हो गया फोर्स, जैसे हमारा कैरम पूल पे भी है, एक हो गया एम जैसे हमारा कैरम पूल पे है, और नीचे वाला जैसे हमारा कैरम पूल पे होता है वो टाइम, लेकिन यहाँ पे वो होता है वेट। और यही पे आता है सारे कन्फ्यूशंस कि हम अपना स्ट्राइकर्स का जो वेट है वो ज़्यादा ले या कम ले, या बहुत ज़्यादा ले या बहुत कम ले। कुछ कुछ है लाइट यानी कि हल्का है, कुछ कुछ है सुपर लाइट मतलब बहुत हल्का, कुछ कुछ है वेट वेट हेवी, कुछ कुछ है सुपर हेवी। गेम प्ले का दौरान आप लोग जो लोग गेम प्ले करते हैं वर्ल्ड ऑफ कैरम पे, आप लोगों को महसूस हो जाता है कि आप लोग कितना वेट का स्ट्राइकर से गेम प्ले कर रहे हैं। हल्का स्ट्राइकर से जब आप स्ट्राइक करते हैं तो उसका जो फिजिक्स रहता है उसका जो एक्सपीरियंस होता है, और हेवी वेट से जब आप स्ट्राइक करते हो तो उसका जो एक्सपीरियंस होता है वो बिल्कुल उल्टा होता है, अलग होता है। अगर यहाँ पे मेरे को एक चीज़ याद आ जाता है कि हमारा कैरम पूल का जो स्ट्राइकर्स है उस पर हमने देखे बस एक ही टेबल का स्ट्राइकर्स को हमको फील हुआ है कि वो थोड़ा सा हेवी है कंपेयर टू अदर टेबल का स्ट्राइकर्स। वो है सिंगापुर का टेबल का स्ट्राइकर्स, जैसे कि ये सम्राट हो गया या फिर तूफान हो गया, माया हो गया या फोनिक्स हो गया, ये जो स्ट्राइकर्स है वो मेरे को ऐसा थोड़ा सा फील होता है कि वो थोड़ा सा हेवी है कंपेयर टू अदर स्ट्राइकर्स। ये एक सुपर लाइट स्ट्राइकर एयर का साथ, यहाँ पे देखिए उसका जो वेट है उसमें बस 2 मार्क है और बाकी उसका एम अच्छा है और फोर्स एवरेज है। यहाँ पे हमारा ओपोनेंट जहांगीर भाई का स्ट्राइकर को देखिए, फोर्स बहुत कम है, एम भी बहुत कम है, लेकिन वेट बहुत ज़्यादा है। आप लोगों ने देखा कि फोर्स का साथ सीधा पक भी नहीं गया क्योंकि स्ट्राइकर का वेट ज्यादा है। एयर स्ट्राइकर से हम जितना लंबा लाइन खींच रहे हैं, एम जितना लंबा खींच रहे हैं, वो ही अगर हमारा हेवी वेट स्ट्राइकर होता हम उतना लंबा लाइन नहीं खींचते। ये हल्का स्ट्राइकर है इसलिए हम लंबा एम खींच सकते हैं। लेकिन एयर स्ट्राइकर का एक दिक्कत भी है, मतलब ब्रेक अच्छा नहीं होता एयर स्ट्राइकर से, क्योंकि वो हल्का स्ट्राइकर है उस वजह से वो ब्रेक अच्छा नहीं होता एयर स्ट्राइकर से। फिर कुछ रिवर्स शॉट में भी पावर कम पड़ जाता है एयर स्ट्राइकर पे, ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज के जगह पे जाता है जिसका फुल एडवांटेज होता है हेवी वेट स्ट्राइकर पे। तो हमने सोचा कि एक हेवी वेट स्ट्राइकर उठाया जाए। से वर्ल्ड ऑफ कैरम पे स्ट्राइकर परचेस करने का कोई ज़रूरत नहीं, कोई मतलब नहीं बनता, फिर भी हमने सोचा कि एक्सपेरिमेंट का तौर पे 10 रुपये में मिल रहा है, देखते हैं क्या है। फ्री में ही इससे बहुत बेहतर स्ट्राइकर्स है जो आपको लेवल अप होने पे मिलता है। अरे यहाँ पे तो दोनों पास मिलता है फ्री पे, बस वीडियो देखो और सारे सीजन पास उठाओ। जो लोग हेवी वेट स्ट्राइकर से गेम प्ले करते हैं उसके लिए ये बहुत अच्छा स्ट्राइकर है, उसका स्टैटिस्टिक्स बहुत अच्छा है। देखिए बड़ा कूल डीपी लगा के रखे हैं भाई नवाज आर्यन। हमारा ब्रेक था, अरे यार ये ब्रेक तो सही नहीं हुआ। अब नवाज भाई का जो स्ट्राइकर है ये हमसे भी बेहतर स्ट्राइकर है, या हमारा अभी तक अनलॉक नहीं हुआ है। यहाँ पे देखिए उनका भी स्ट्राइकर का वेट ज्यादा है, पावर एवरेज है, एम बहुत कम है। अब देखिए आराम आराम से खेल रहे हैं भाई, लेकिन भाई का पग फंसा हुआ है, हमारा पग भी फंसा हुआ है, ये बिल्कुल फंसा हुआ बोर्ड है भाई। गेम पे ये वर्ल्ड ऑफ कैरम पे आराम आराम से ही ज्यादातर प्लेयर, अच्छे प्लेयर्स लोग आराम आराम से खेलते हैं, कोई भी तेज नहीं मारता यहाँ पे अगर जरूरत ना हो तो। बिल्कुल
फॉर्मूला वही फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं नवाज भाई। यहाँ पे देखिए तेज मारा क्योंकि उनको पक निकालना है। अब जब भी आप तेज मारेंगे हेवी वेट से तो आपको बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। यहाँ पे आराम से लिया, फिर ऐसा हुआ पक को निकालने की कोशिश, लेकिन हमको मौका मिल गया। अब हम थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं और वेलोसिटी का कमाल देखिए आप लोग। बोर्ड खाली था, वैसे कोई डिफिकल्ट कुछ था नहीं, बस ये वाला पक थोड़ा सा डिफिकल्ट था, लेकिन वो भी हमने निकाल लिया भाई। वेलोसिटी स्ट्राइकर बहुत परफेक्ट है भाई। तो फाइनली क्या बोलेंगे भाई कि ये 10 रुपए में हम जो वेलोसिटी स्ट्राइकर उठाए हैं, इट वाज ए ग्रेट डील और नॉट? तो चलिए आज का शाम का आखिरी गेम प्ले की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसी एयर स्ट्राइकर से, सुपर लाइट स्ट्राइकर से, हमारा फेवरेट स्ट्राइकर है ये, अभी तक का ये जो एयर स्ट्राइकर है, और हमारा गेम कनेक्ट होता है लायन भाई से। शकल देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि लायन भाई ना कुछ कलाकार आदमी होंगे भाई। तो हमारा ब्रेक था और हमने पक को चेंज किया, हमने सोचा कि चलिए देखते हैं अलग पक लगा के देखते हैं क्या होता है। ये नॉर्मल सा हमने ब्लैक पक लिया। अब लायन भाई को मौका मिला। लायन भाई सूर्या स्ट्राइकर से गेम प्ले कर रहे हैं और देखिए उनका बिल्कुल, उनका जो वेट है बिल्कुल फुल है, और सूर्या स्ट्राइकर जैसे हमने आप लोगों को बोला ये हेवी वेट स्ट्राइकर है, सारे मैक्स किया हुआ है। देखा आप लोगों ने, एवी नहीं रखा लायन नाम अपना। अब देखिए ये तो बहुत तेज मारा भाई ने, लेकिन बहुत परफेक्ट मारा जिसलिए कोई दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन भाई का बोर्ड फंस गया भाई। यहाँ पे इतना तेज मारने का क्या जरूरत है मेरे को समझ में नहीं। अच्छा ठीक है, नहीं मारेंगे। कनेक्शन जा सकता है लेकिन वो कुछ और ही अटेम्प्ट ले रहे हैं, और यहाँ पे देखिए लायन भाई का गलती हो गया। अभी देखते हैं कि अभी क्या हम यहाँ से गेम निकाल सकते हैं या नहीं। यहाँ पे देखिए एम लाइन, देखिए बोर्ड को क्रॉस करके निकल जा रहा है भाई। ये जो यार स्ट्राइकर का यही बात है भाई। एम लाइन देखिए कितना स्मूथ भाई। यहाँ पे हमको तो मालूम है भाई हमारा फोर्स ज्यादा है नहीं स्ट्राइकर का, और हल्का स्ट्राइकर है तो हमको काफी खींच के मारना पड़ा, और जिस वजह से हमारा भाई फाइन हो गया। ये छोटा, ये कुछ डिमेरिट्स है भाई लाइट स्ट्राइकर से खेलने का। देखिए ये बहुत तेज मारे, हमने जैसे आप लोगों को बोला कि भाई हेवी वेट स्ट्राइकर से बहुत तेज मारेंगे तो काफी चांस रहता है कि आपका मिस हो जाए। अक्षोदी वाला मिस हो गया, शायद हम थोड़ा सा पावर को कम करते तो चला जाता। देखते हैं अभी लायन भाई तो शायद खत्म कर देंगे, हमको ऐसा ही लग रहा था। लायन भाई को थोड़ा सा आहिस्ता मारना चाहिए था।
पे एक लॉन्ग कट मारेंगे, देखिए बड़े आराम से लॉन्ग कट मारेंगे पूरा एम का इस्तेमाल करते हुए। यही तो खास बात है यार स्ट्राइकर का भाई, एम लाइन भयानक है भाई। और यहाँ पे एक कनेक्शन अटेम्प्ट लेंगे, ये कनेक्शन बहुत डिफिकल्ट है इस टेबल पे। यहाँ पे देखिए लायन भाई क्या बोलते हैं, देखा आप लोगों ने, ये होता है ओपोनेंट का बिहेवियर और ये होता है लायन का शान। को एक रिप्लाई देने का कोशिश कर रहे थे लेकिन हमको कहीं मिल नहीं रहा था। उसमें एक एडवर्टाइजमेंट आ गया था एक नंगी औरत का, फिर हम यहाँ पे ढूंढ रहे थे थैंक यू कहा है, थैंक्स कहा है, हमको मिला ही नहीं थैंक यू कहीं। थैंक यू इस लिस्ट पे है कमेंट पे, लेकिन वक्त पे नहीं मिला।